हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे, अमेरिका के किचन में आपको दूर दूर तक सरसों का तेल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इंडियन कुजीन का यही फेवरेट इंग्रेडिएंट आपके दिल की धड़कन रोक सकता है। लेकिन क्या वाकई में इस तेल से हमारी जान जा सकती है, वो तो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि जमैका का नेशनल फ्रूट एकी यूएसए में बैन है। जी हाँ, पर इसलिए नहीं कि ये फल किसी कीड़े की तरह दिखता है, बल्कि ये फल इसलिए बैन है क्योंकि इसके अंदर मौजूद हाइपोग्लाइसिन ए और बी इतने ज्यादा जहरीले हैं कि अगर कभी किसी ने इसे कच्चा खा लिया तो उसका वही राम नाम सत्य हो जाएगा। पर इस लिस्ट में एकी अकेला नहीं है, क्योंकि कैडबरी चॉकलेट, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर और पसंदीदा चॉकलेट है, उसे तक यूएसए की गवर्नमेंट ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, पर ना ही कैडबरी में एकी जैसा कोई जहर है और ना ही वो आपकी सांसें रोक देगा। तो आखिर क्या है इस अजीब से बैन के पीछे का राज, हम यही जानने जा रहे हैं आज के वीडियो यूएस फूड्स यू नेवर न्यू वर इलीगल टू ईट में। नंबर वन, कैडबरी चॉकलेट। अगर किसी अमेरिकन को असली वाला कैडबरी खाने का मन हो गया तो उसे पूरे 8,597 किलोमीटर उड़कर यूके में जाकर खाना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए में कैडबरी चॉकलेट बैन है। अरे सच्ची, दरअसल ये हादसा हुआ था साल 2015 में, जब यूके में बनने वाले कैडबरी प्रोडक्ट्स को यूएस की मिट्टी में घुसने से मना कर दिया गया था। और इस बैन के षड्यंत्र को रचने के पीछे अमेरिका के हर्शे चॉकलेट कॉरपोरेशन का हाथ था, जिन्होंने अपनी गंदी चाल चलकर कैडबरी वालों पर ये इल्जाम लगा दिया कि कैडबरी के मशहूर चॉकलेट क्रेमे एक्स की रेसिपी हर्शेज के चॉकलेट एग की चुराई हुई रेसिपी है। अब क्योंकि अमेरिका के चॉकलेट मार्केट में हर्शेज का अलग ही नाम और रुतबा था, इसलिए ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को हर्शेज के सामने झुकते हुए कैडबरी को चोर का नाम देना पड़ा था। और इस पूरे झमेले के बाद यूके से यूएसए में कैडबरी का इम्पोर्ट बंद करवा दिया गया। पर जहां एक तरफ इस स्कैंडल की वजह से कैडबरी को काफी नुकसान हुआ था, वहीं हर्शेज के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में कैडबरी के चॉकलेट्स को बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा अधिकार हर्शेज के पास है। तभी तो ये बैन वाला प्लान उनके लिए पूरी तरह से काम कर गया और अमेरिका में बनने वाले कैडबरी को अलग रेसिपी से बनाया जाने लगा, जो अलग नहीं कुछ ज्यादा ही अलग थी, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से यूके वाले वर्जन को ज्यादा फैट के साथ बनाया जाता है, वहीं यूएस वाले अपनी चॉकलेट ज्यादा शक्कर के साथ बनाते हैं और दोनों उसे कैडबरी के नाम से बेचते हैं। ये सब करके हर्शेज वालों का क्या प्रॉफिट हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन यूएस में कैडबरी लवर्स के तो पंगे हो गए ना, क्योंकि अब उन्हें कैडबरी के असली स्वाद के लिए दूर देश यूके जाकर अपना मन बहलाना होगा, वरना अगर वो लोग यूएसए में इन चॉकलेट्स को लेकर आ गए तो इन्हें पक्का लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर टू, फोर लोको। वेल, ये बात है फोर लोको नाम की दारू बेचने वाली कंपनी की, जो एक टाइम पर यूएस में कॉलेज के बच्चों की गो टू पार्टी ड्रिंक हुआ करती थी। पर कंपनी के इन्हीं हंसी खुशी और प्रॉफिट वाले दिनों पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए की नजर लग गई थी, जिसकी वजह थी भारी वाला लोचा, क्योंकि फोर लोको अपने ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट्स में बहुत बड़ा झोल कर रही थी। इनफैक्ट उनके एक 700 ml के कैन में पूरे 12% अल्कोहल लेवल मौजूद था, जबकि किसी दूसरे बियर की बोतल में वही लेवल करीब 5-7% जितना ही होता है, यानी एक फोर लोको में तीन बियर जितने का नशा, मजा। लेकिन ये कंपनी अपने ड्रिंक्स में सिर्फ अकेले दारू का ही नशा नहीं बेच रही थी, बल्कि ऊपर से कुछ 156 मिलीग्राम जितना कैफीन भी ऐड कर रही थी, जो एक रेड बुल जैसे बड़े ब्रांड के कैन में भी बस 30 मिलीग्राम जितना होता है, यानी दो दो नशे की चीजों का कॉकटेल एक बाल्टी में, जिसके बाद लोग इसे पी पी कर इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे कि उन्होंने इसे ब्लैकआउट इन अ कैन का निकनेम ही दे दिया। और इसी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए फाइनली 2010 में एफडीए ने फोर लोगों पर केस ठोक दिया, जिससे छुटकारा पाने के लिए आखिर में फोर लोगों को अपने रेसिपी में से कैफीन और दूसरे डेंजरस इंग्रेडिएंट्स को निकालने का डिसीजन लेना पड़ा। पर शायद एफडीए को ये कदम उठाने में देरी हो गई थी, क्योंकि तब तक जनता इन जहरीले कॉकटेल से कुछ इस कदर एडिक्ट हो गई थी कि उसके अंत पर उन्होंने मिलकर शोक मनाया था। हालांकि इसके शोक की वजह से यूएस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन 2016 में इसने चाइना के मार्केट में एंट्री मार ली। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों एक ड्रिंक जिसे यूएसए तक ने बैन कर दिया है, उसे चाइना आज भी बेच रही है, क्या इसमें उसका कोई फायदा हो रहा है। नंबर थ्री, सिगरेट्स। वैसे क्या आप भी उस आबादी को बिलोंग करते हैं जिसे तरह तरह के फ्लेवर्स सिगरेट्स फूंकना ज्यादा पसंद आता है, तो आपको जानकर अफसोस होगा कि यूएसए में आपको इनका आनंद उठाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएसए में 2009 से एफडीए ने सारे फ्लेवर्स सिगरेट्स जैसे पीच, चॉकलेट, लाइम, रम, पाइनएप्पल और पता नहीं क्या क्या हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिए थे। पर क्यों, यही जानना चाहते हो ना भाई? प्लीज।
दरअसल फ्लेवर सिगरेट्स के साथ ऐसा अन्याय करने के पीछे का कारण ये था कि FDA के अनुसार USA की ज्यादातर जवान पब्लिक फ्लेवर सिगरेट ही फूंकना पसंद करती थी, और क्योंकि ये फ्लेवर वाले सिगरेट्स तंबाकू के टेस्ट को माइल्ड कर देते हैं, इसलिए अक्सर बच्चे इन्हीं से अपने फूंकने की तलब को शुरू करते हैं। पर USA वाले बैन लगाते वक्त शायद मेंथॉल को फ्लेवर की लिस्ट में शामिल करना भूल गए, क्योंकि दूसरे फ्लेवर्स पर बैन लगने के फौरन बाद मेंथॉल सिगरेट्स की बिक्री पर 45% की बढ़त देखी गई थी। और क्योंकि USA गवर्नमेंट अपने देश के यूथ को स्मोकिंग से बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसके पीछे की वजह जानने के लिए अननोन साइंटिफिक स्टडीज तक कर ली थी, जिसमें ये बात साफ साफ प्रूव की गई थी कि मेंथॉल की वजह से सिगरेट की तलब छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए फाइनली 2021 में जाकर FDA ने मेंथॉल फ्लेवर सिगरेट पे भी बैन लगा दिया। लेकिन सिगरेट जैसी हानिकारक चीज पर बैन लगाना तो फिर भी समझ आता है, पर भला बच्चों की कैंडी ने क्या गुनाह किया है जो मैनी और टेनेसी में कैंडी सिगरेट पर भी बैन लगा दिया गया है। नंबर 4, जैपनीज पफर फिश। एक ऐसी मछली जिसे पकाने के लिए भी अलग से लाइसेंस लगता है, अब उसका बैन होना तो जायज है ना? तभी तो अमेरिका ने भी जैपनीज पफर फिश, जिसे फुगू कहा जाता है, उस पर बैन लगवा दिया है, क्योंकि ये मछली जो कि खुद में ही इतनी लग्जूरियस है कि इसकी एक डिश लगभग 15,000 तक बिकती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि महंगी होते हुए भी वो किसी जहर से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हाई फाई महंगी मछली की अंतड़ियाँ, ओवरीज और लिवर में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का ऐसा जहर पाया जाता है जो कीट मारने की दवा से भी 1500 गुना जहरीला होता है। यानी किसी ने गलती से इस मछली का एक बाइट भी खा लिया ना, तो वो तो रातों रात स्वर्गवासी हो जाएगा। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पफर फिश में इस जहर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो अकेले ही करीबन 30 लोगों की जान लेने के काबिल है। तभी तो इस मछली को बनाने के लिए भी दुनिया भर के शेफ को 2 से 3 साल की अलग से ट्रेनिंग लेकर फुगू पकाने का लाइसेंस हासिल करना पड़ता है, ताकि आगे जाकर फुगू का गलत हिस्सा काट कर वो किसी इंसान के मौत का कारण न बन जाए। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि खुद जापान भी इस मछली के हानिकारक होने की बात करता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार साल 2000 से लेकर 2012 तक कुल 23 लोगों की फुगू खाने की वजह से जान चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद आज भी जापान में फुगू का बिजनेस इस कदर जोरों शोरों से चलता है कि वहाँ लगभग 40 अलग अलग प्रकार की फुगू मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और हर साल वहाँ की जनता कुल 10,000 टन फुगू का सेवन करती है। नंबर 5, मस्टर्ड ऑयल। अब अगर आपके दिमाग में ये बात स्लिप हो गई हो तो मैं याद दिला दूं कि सरसों के तेल से खाना बनाकर खाने से आपके दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं बल्कि FDA खुद कहती है। राई के तेल का ये हानिकारक रूप उसमें मौजूद एरुसिक एसिड की वजह से होता है, जिसको लेकर USA के लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि 2016 में उन्होंने सरसों के तेल का सेवन करना पूरा का पूरा गैर कानूनी कर दिया था। जिसे प्रूव करने के लिए USA वालों ने इसकी टेस्टिंग सिर्फ जानवरों पर करके देखी। वहीं दूसरी तरफ जब इंसानों की बात आती है तो ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसमें सरसों के तेल की वजह से किसी की जान गई हो। पर इस सब के बावजूद एक लैब रैट की सेहत का उदाहरण लेकर USA वाले इस तेल से इतना ज्यादा डर गए कि किचन में इस तेल की एंट्री ही बंद करवा दी। लेकिन चाहे ये बैन पूरे देश में लगाया गया हो, पर फिर भी आपको मार्केट में सरसों का तेल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। किंतु यहां भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं, जिसके मुताबिक इस तेल को केवल मसाज और एसेंशियल ऑयल की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप सरसों का तेल खरीदने जाते हो तो आपको उसके बॉटल पर साफ साफ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन केवल USA ही नहीं, इसी तेल के दिल की गति रुकने की जानलेवा शक्तियों से कनाडा और यूरोप भी डरा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ भी आपको मस्टर्ड ऑयल देखने को नहीं मिलेगा। और कनाडा वाले तो इस एरुसिक एसिड नाम की बला से कुछ इस कदर डर गए थे कि उन्होंने बाकियों से एक कदम आगे जाकर 1950 में ही कम एरुसिक एसिड वाला कैनोला ऑयल ही बना डाला। वैसे USA के इन गैर कानूनी फूड आइटम्स को देखकर आपको क्या लगता है? क्या इन फूड आइटम्स का वहाँ बैन होना जायज है, या लोगों ने बिना मतलब के बात का बतंगड़ बनाकर अच्छी खासी चीजों पर रोक लगवा दी है? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरी मजेदार वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।